सब अपना अपना बोझ उठा करके चल रहे हैं, लेकिन है बड़ी सुंदर और साधारण सी कहानी। So, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार, यही तो देखते हैं आप। दिस इज व्हाट यू चीजों के अलावा आपने क्या देखा है सर? उसके अलावा एक्सपीरियंस काम करने का साथ में, उसके पहले सब तो हाइपोथेटिकल था कि दीपिका के साथ कैसा होगा, बच्चन साहब के साथ काम करना कैसा होगा, सुजीत के साथ कैसा होगा, मौसमी के साथ कैसा होगा, ये सब तो अंदाजे थे। लेकिन जब किया तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस हो गया आपका, और वो एक प्रेशियस एक्सपीरियंस है। Amit sir, you have been shooting all across India. The pictures were being leaked out before where you've been cycling or you'll be Gujarat mein ho ya phir kahin pe bhi ho sir. So do you think that people have the rough clips about the movie ki kya hone wala hai kaisa hoga? Leak nahi hota, ho to hum janbujh ke dalte hain. Muft mein prachar ho raha hai. Kya usme kharabi hai? Blog likhta hu main roz raat ko. To usko thoda sa aur aakarshak banane ke liye ek aad tasveer tasveer aa jaye to acha lagta hai. इसलिए हमने डाल दिया उसमें। कोई भी ऐसी तस्वीर मैं नहीं डालूंगा बिना पूछे प्रोड्यूसर से, उनसे अनुमति ले लेता हूं मैं कि आप अगर ठीक समझें तो मैं ये छाप दूं, तो कहते हैं हाँ, अगर कहते हैं ये मत छापिए तो मैं नहीं छापता। लेकिन अब अगर मैं कलकत्ते की सड़कों पर साइकिल चला रहा हूं और आजकल के जैसा ज़माना है 1 करोड़ कैमरा साथ में छपता है आपके, तो वो तो ले ही लेंगे छवि, वो तो छप गई तो बाहर निकल गई बात। तो इससे पहले कि वो निकालें हम निकाल देते हैं। हाँ जी, ये क्या मुझे मालूम नहीं है, तो पता चलेगा बाद में। बच्चन सर, अगर बात करें पीकू की, इट्स एन आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर, लेकिन बहुत समय से ऐसी आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर आई नहीं, तो आप भी ये बात को मानते हैं कि ऐसी मूवी जिसमें इतना यू नो एक फैमिली एंटरटेनर टाइप एक हो, जिसमें सब एलिमेंट्स हो, वो काफी टाइम से मिसिंग था? जी, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि मैं एक्शन और कॉमेडी आ चुकी है, तो ऐसी मूवी आएगी क्या? मुझे इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, ना ही मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छा ही है, इसमें पूरा परिवार जाए देखने। इरफान भाई, वाज इट डिफिकल्ट रोमांसिंग दीपिका ऑन द बिग स्क्रीन? दीपिका मेड इट वेरी कंफर्टेबल, इट वाज वेरी एंजॉयबल, इट वाज वेरी मेमोरेबल। आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत याद है मेरी, और इक्वेशन जो है आई थिंक दीपिका को मैं कभी मिला भी नहीं था, हम लोग जैसे कभी हेलो हाय भी नहीं हुआ था मेरा। मेरा दीपिका की याद यही है कि मैंने पहली बार इनको ऐड में देखा था बहुत पहले, तो मैंने कहा यार ये लड़की फिल्मों में आना चाहिए, और तो थोड़ी दिन बाद मुझे न्यूज़ पता चली कि शाहरुख के साथ कुछ फिल्म करनी है। इनका ऐड आया था, मैं भूल गया किसका क्या था, वो ऐड था क्लोजअप वाला होगा शायद। तो कुछ कुछ लोगों के चेहरे होते हैं इस तरह के कि वो मतलब थोड़ा चुंबक होता है उनके अंदर। जैसे मुझे याद है शाहरुख को मैंने पहली बार देखा था जब वो वहाँ अपने कमानी थिएटर में, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, एक बैरी जॉन की कुछ रिहर्सल चल रही थी, उसने बुलाया था मुझे, और ये सब लोग सुन रहे थे कुछ खड़े हुए, कुछ लड़के बैरी जॉन कुछ बोल रहा था, उसमें शाहरुख कहीं पीछे खड़ा हुआ था, वही नज़र उस पर गई थी, मैंने कहा यार ये कौन है लड़का, यू नो ऐसे कुछ लोगों की होती ही पर्सनैलिटी। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सौभाग्य मतलब थोड़ा सितारे ठीक है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, एंड ट्रेलर से आपको समझ में आ जाएगा कैसा हमारा काम हुआ है। दीपिका, आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग विद अमित जी एंड इरफान खान? अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी आई थिंक, एंड आई कंसीडर माय सेल्फ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू वर्क विद बोथ ऑफ देम बीइंग इन द सेम फिल्म। And as an actor, you know, sometimes, you know, I'd sit behind, you know, the monitor with Shujit and watch the two of them perform. And you're like mesmerized, you know, how they just, yeah. What? What? Rubbish. No, not really, I'm telling you. Just the way they would talk to each other, you know, conversation. Bouncing off each other with so much ease but still within their characters, and it was so exciting, you didn't want that scene to end. Very, very exciting, and I'm sure consciously, subconsciously, I'm sure I've learned a lot just watching them perform. टिकली बिंदी बिंदी लेडी में दिख जाती है।